हरियाणा चुनाव के नतीजों ने लौटाई पीएम मोदी की मुस्कुराहट। 4 जून की निराशा से 8 अक्टूबर की मुस्कुराहट तक मोदी का सफर। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस के लिए ज्यादातर राज्यों में नो एंट्री का बोर्ड लगा है। आज के चुनाव नतीजों ने एक और बात स्पष्ट की है, कांग्रेस आज पूरी तरह परजीवी पार्टी बन गई है। कांग्रेस ऐसी परजीवी पार्टी है जो अपने सहयोगियों को ही निगल जाती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। आपको बता दें कि 48 सीटों पर काबिज होकर बीजेपी ने बैक टू बैक तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना ली। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी अपने दम पर बहुमत तक हासिल नहीं कर पाई थी, उसके लिए यह चुनाव बेहद ज्यादा अहम था। लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस लगातार पीएम मोदी को निशाना बना रही थी। लोकसभा चुनाव के बाद कुछ राज्यों में उपचुनाव भी बीजेपी के कुछ खास प्रदर्शन जो है नहीं कर पाई, लेकिन अब जिस तरीके से हरियाणा में ये ऐतिहासिक जीत बीजेपी ने दर्ज की है, इसके बाद ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुस्कुराहट एक बार फिर लौट आई है। क्यों? क्योंकि हरियाणा में बैक टू बैक तीसरी बार सरकार बनाने की खुशी में, हरियाणा में एक प्रचंड बहुमत लाने की खुशी में, और हरियाणा में जिस तरीके से बीजेपी ने इतनी बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन किया, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हरियाणा की जीत को सेलिब्रेट करने के लिए, हरियाणा की जनता का धन्यवाद करने के लिए जब स्टेज पर पहुंचे, तो वहां उनकी वो मुस्कुराहट देखने के लिए मिली जो 4 जून के रिजल्ट के बाद गायब थी। कहीं ना कहीं लोग इसे लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा कर रही हैं, लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुस्कुराहट लौट आई है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हर इस तरीके के इंसिडेंट, यानी हर एक 4 जून के बाद 8 अक्टूबर का दिन भी आता है और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो एक्सप्रेशन है उसकी जो है चर्चा हो रही है कि किस तरीके से 4 जून को प्रधानमंत्री का जो चेहरा है वो इतना खुश नहीं था, मुरझाया था, लेकिन जब 8 अक्टूबर का रिजल्ट आया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है कि अगर आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से जीत को देखते हैं, जिस तरीके से जीत को जीते हैं, वो उनके एक्सप्रेशन से समझ आ जाता है। आज जब बीजेपी हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाई तो पीएम मोदी एक बार फिर से फ्रंट फुट पर आ गए। उन्हें कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और स्टेज पर हंसते मुस्कुराते नजर आए। अब बता दें कि बीजेपी के विजय उत्सव के कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहां पर संबोधित करने पहुंचे थे, भव्य स्वागत किया गया और इसके बाद उन्होंने कांग्रेस को जमकर घेरा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए इसे परजीवी पार्टी करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह परजीवी पार्टी बन गई है। हरियाणा में अकेले थी तो करारी हार मिली, जम्मू कश्मीर में उसकी सहयोगी पार्टी पहले से कह रही थी कांग्रेस की वजह से उन्हें नुकसान हो रहा, और नतीजों में भी वही दिखा। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने जितनी सीटें जीती उसमें से आधी से ज्यादा सीटें अपने सहयोगियों की वजह से जीते थे। जहां सहयोगियों ने कांग्रेस पर भरोसा किया वहां उनकी नैया डूब गई। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है और इस खेल में शामिल है। उन्होंने कहा कि बीते कुछ समय से भारत के खिलाफ कई तरह के षड्यंत्र चल रही हैं और भारत के लोकतंत्र, अर्थतंत्र और सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने के लिए अंतरराष्ट्रीय साजिशें हो रही है। क्या कुछ और कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जरा एक बार आप खुद सुनिए। भारत के विरुद्ध भांति भांति के षड्यंत्र चल रहे हैं, भारत के लोकतंत्र को, भारत के अर्थतंत्र को, भारत के सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने के लिए भांति भांति की साजिशें हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही है। आज मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ मेरे प्यारे देशवासियों से कह रहा हूं कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी और उनके चट्टे बट्टे इस खेमे में शामिल है।
इस खेल में शामिल है। देशभक्त हरियाणा ने आज ऐसी हर साजिश को भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत और हर भारतीय को संकल्प लेना है कि हम ऐसी किसी साजिश को सफल नहीं होने देंगे। भारत विकास के रास्ते से नहीं भटकेगा। साथियों, आज के चुनाव नतीजों ने एक और बात स्पष्ट की है, कांग्रेस आज पूरी तरह परजीवी पार्टी बन गई है। यहां हरियाणा में कांग्रेस परजीवी बनकर किसी के साथ नहीं थी, अकेली थी, तो उसे करारी हार मिली। जम्मू कश्मीर में उसकी सहयोगी पार्टी डर के मारे पहले से कई कह रही थी कि कांग्रेस की वजह से उसे नुकसान हो रहा है, और आज के नतीजों में भी वही दिखा है। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भी हमने यही देखा था। लोकसभा में कांग्रेस जितनी सीटें जीती, उनमें आधी से ज्यादा सीटें वो अपने सहयोगों की वजह से जीती है। इसके अलावा जहां सहयोगियों ने कांग्रेस पर भरोसा किया, वहां उन सहयोगियों की ही नैया डूब गई। कई राज्यों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का खामियाजा उसकी सहयोगी पार्टियों को उठाना पड़ा। कांग्रेस ऐसी परजीवी पार्टी है जो अपने सहयोगियों को ही निगल जाती है। साथियों, कांग्रेस एक ऐसा देश बनाना चाहती है जहां लोग अपनी ही विरासत से नफरत करते हो, अपनी राष्ट्रीय संस्थाओं पर शंका करते हो, जिस पर देशवासी गर्व करते हैं, कांग्रेस उस हर चीज की छवि को धूमिल करना चाहती है। देश का चुनाव आयोग हो, देश की सेना हो, हमारी पुलिस हो, देश की न्यायपालिका हो, कांग्रेस हर संस्था पर दाग लगाना चाहती है। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के पहले इन्होंने किस तरह का कोहराम मचाया था। चुनाव के दौरान भी ये लोग, इनको सहयोगी दल, इनके अर्बन नक्सल साथी कितनी बार कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए, और किस लिए? ताकि ये लोग चुनाव आयोग की संवैधानिक निष्पक्षता पर बट्टा लगा सके। आज भी उन्होंने ऐसा ही काम किया है। आज भी कांग्रेस ने देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की है। कांग्रेस हर बार यही कोशिश करती है कि हमारी संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, उसकी प्रतिष्ठा पर आघात करे। कांग्रेस की यही आदत रही है। कांग्रेस बड़ी बेशर्मी से ऐसी करतूतें करती आ रही है। साथियों, जम्मू कश्मीर में इस बार हुआ चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। वहां
भारत का संविधान पूरी तरह से लागू होने के बाद ये पहला चुनाव था। आजादी के 7 दशक बाद भी अनेक लोगों को वोट डालने का हक नहीं था, उन्होंने भी पहली बार इस चुनाव में अपना वोट डाला है। कुछ लोग कहते थे कि आर्टिकल 370 हटा तो कश्मीर जल जाएगा, लेकिन कश्मीर जला नहीं, कश्मीर और खूबसूरती से खिला है, खिलखिलाया है। जिस तरह लोगों ने बाहर आकर रिकॉर्ड नंबर में वोट डाले, वो हर हिंदुस्तानी के दिल को खुश करने वाला है। हमारा जम्मू कश्मीर कर्फ्यू और अलगाववाद के कालखंड से बाहर निकल रहा है। 1947 के बाद पहली बार हमारी सरकार ने जम्मू कश्मीर में बीडीसी के चुनाव कराए। आज पहली बार प्रशासन के हर स्तर पर, फिर चाहे वो विधायक हो, बीडीसी हो, डीडीसी हो, हर स्तर पर अब जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि काम करेंगे। हमने जम्मू कश्मीर में संविधान की स्पिरिट और उसकी मर्यादा की पुनः प्रतिष्ठा की है। बाबा साहब अम्बेडकर को इससे बड़ी श्रद्धांजलि क्या होगी। साथियों, मैंने विकसित भारत के लिए 4 स्तंभों की चर्चा बार बार, उस चर्चा को आपके सामने रखा है। ये 4 स्तंभ किसान, युवा, महिलाएं और गरीब। जम्मू कश्मीर हो या हरियाणा, हम विकास को इन्हीं 4 धाराओं के, 4 स्तंभों के बलबूते पर देश को विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इनको सशक्त करना ही भाजपा की प्राथमिकता है। हरियाणा के गरीब तो पिछले 10 साल से डबल इंजन की सरकार का काम देख रहे हैं। मुफ्त इलाज की सुविधा से लेकर नल से जल और पक्के घर तक हरियाणा के गरीब परिवारों को अनेक सुविधाएं मिली है। अब हरियाणा की भाजपा सरकार गरीब कल्याण के काम को और अधिक गति देगी। साथियों, हरियाणा तो कृषि के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। हरियाणा की इस ताकत को भाजपा और मजबूती देने वाली है। हमारा लक्ष्य एकदम साफ है, भाजपा सरकार हरियाणा के किसानों की उपज को दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना चाहती है। बाजरा जैसा यहां का मोटा अनाज श्री अन्न के रूप में दुनिया भर के डाइनिंग टेबल पर पहुंचे, ये हमारी प्रतिबद्धता है। भाजपा की सरकार पर भ्रष्टाचार का एक दाग नहीं लगा है। केंद्र सरकार पर जैसे दाग नहीं लगा है, वैसे ही हरियाणा सरकार 10 साल चलाई हमने, भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ समर्पण भाव से जनता के विकास के लिए काम किया है और मैं इसके लिए
हरियाणा के मुख्यमंत्री भाई नायब सैनी जी और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी की भरपूर तारीफ करता हूं, भरपूर प्रशंसा करता हूं। उन्होंने हरियाणा के विकास के लिए बहुत मेहनत की है। साथियों, जब जनता ऐसे काम को प्रोत्साहित करती है, नेक नियत और अच्छी नीति को सराहती है, तब काम करने की ऊर्जा भी दोगुनी होती है। हरियाणा ने भाजपा सरकार को प्रोत्साहित किया है, जम्मू कश्मीर ने भी भाजपा को प्रोत्साहित किया है। यह आशीर्वाद हमें और भी अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं और मैं इसके लिए जम्मू कश्मीर और हरियाणा की जनता को भी फिर एक बार हृदय से बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। आज के जनादेश से भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का संकल्प और मजबूत हुआ है। इस जनादेश ने भारत को दुनिया की स्किल कैपिटल बनाने के संकल्प को भी मजबूती दी है। आपने हर उस प्राण, हर उस प्रेरणा को सशक्त किया है जिसका मकसद करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालना है। ये जनादेश भारत को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए, कठिन से कठिन फैसले लेने के लिए भी नया हौसला देगा। मैं आप सभी को, पूरे देश को फिर ये भरोसा देता हूं कि आने वाले 5 साल और तेज विकास के होंगे। हरियाणा विकसित होगा, जम्मू कश्मीर विकसित होगा, भारत विकसित होगा और ये हम करके दिखाएंगे। मैं एक बार फिर हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। आप सब कार्यकर्ताओं का जितना अभिनंदन करूं उतना कम है। देश के कोने कोने में आज भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी है, हर संघर्ष को पार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जनता के दिलों में जो जगह बनी है, उसके मूल में भाजपा के कार्यकर्ता है। भाजपा के कार्यकर्ताओं का परिश्रम है, भाजपा के कार्यकर्ताओं की त्याग तपस्या है और इसलिए विजय के उस उत्सव में मुझे बार बार मेरे कार्यकर्ताओं की याद आना बहुत स्वाभाविक है। उनके प्रति अहोभाव व्यक्त करना मेरा स्वाभाविक मन करता है और इसलिए टीम स्पिरिट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर लक्ष्य की ओर बढ़ते जाने वाले भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता न रखने वाले हैं, न थकने वाले हैं और झुकने का तो सवाल ही नहीं उठता है। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देशवासियों को भी मैं उनके आशीर्वाद के लिए प्रणाम करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, 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 भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते नजर आए कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी और उनके चट्टे बट्टे इस खेमे में, इस खेल में शामिल है। कांग्रेस के शाही परिवार ने तो डंके की चोट पर कहा कि वो आरक्षण खत्म करेंगे। दलित और पिछड़ों का आरक्षण छीन कर कांग्रेस अपने वोट बैंक को देना चाहती थी। हरियाणा में भी वो यही करने जा रही थी। पीएम मोदी ने कहा कि देश के ज्यादातर राज्यों के लोगों ने कांग्रेस के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। पहले कांग्रेस सोचती थी कि वो चाहे काम करे ना करे, लोग तो उन्हें वोट देंगे ही, लेकिन अब कांग्रेस की पोल खुल चुकी है। कांग्रेस
कांग्रेस सत्ता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानती है। सरकार में न रहने पर कांग्रेस की हालत जलमिन मछली जैसी हो जाती है, इसीलिए वो सरकार के आने के बाद देश और समाज को दांव पर लगाने से नहीं हिचकती। आज पूरा देश देख रहा कैसे कांग्रेस हमारे समाज में जाति का जहर फैलाने पर उतर आई। जो लोग सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए वो गरीब को जाति के नाम पर लड़वाना चाहते हैं। कांग्रेस भारत के समाज को कमजोर करके भारत में अराजकता फैलाकर देश को कमजोर करना चाहती है, और इसीलिए वो अलग अलग वर्गों को भड़का रही है, लगातार आग लगाने की कोशिश कर रही है। हमारे दलित पिछड़े और आदिवासी समाज को भूलना नहीं चाहिए कि ये कांग्रेस ही है जिसने उन पर सबसे ज्यादा अत्याचार किया। ये कांग्रेस है जिसने उन्हें इतने जो है दशकों तक रोटी पानी मकान से वंचित रखा। कांग्रेस का परिवार दलित पिछड़े और आदिवासियों से नफरत करता है, उन्हें चिढ़ाता है, और आज जब दलित पिछड़े आदिवासी शीर्ष स्थान पर जा रहे हैं तो इनके पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं। कांग्रेस के शाही परिवार के तो डंके की चोट पर आरक्षण खत्म करने की बात कही थी, लेकिन ऐसा हमने होने नहीं दिया। हरियाणा में जीत जो है बता रही है कि किस तरीके से हरियाणा में जो जनता है उन्होंने कांग्रेस को पूरी तरीके से नकार दिया है और कांग्रेस को वापस से मौका नहीं देने वाली है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।